देखो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कुछ किसी भी एक सॉरी कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है। देखो कोई भी एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल किस तरह का हो सकता है? पहला हो सकता है स्केलन ट्रायंगल, जो स्केलन ट्रायंगल होता है उसके ना तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। मान लो कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, तो अगर ये ट्रायंगल स्केलन होगा तो इसमें ऑल साइड्स हैव डिफरेंट मेजरमेंट, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तीनों में से कोई भी बराबर नहीं, तो स्केलन ट्रायंगल फर्स्ट। अगर वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसमें एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी फाइंड करना पड़ेगा पहले, फिर बी सी फाइंड करोगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो यहीं पे हो जाएगा खत्म, लेकिन अगर रहते हैं या ये बराबर नहीं आते तो फिर तुम्हें ए सी भी फाइंड करना पड़ेगा, और इन तीनों में से कोई दो साइड्स क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगे। अगर तीनों में से दो साइड बराबर आ गए तो ये क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। थर्ड, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, किसी भी एक ट्रायंगल की ना तीनों साइड पहले फाइंड करोगे। देखो ये ना सेटिस्फाई करेगा पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि जो इसमें लॉन्गेस्ट साइड होगी का जो स्क्वायर आएगा, भाई देखो पहले ए बी फाइंड करोगे, फिर बी सी फाइंड करोगे, फिर ए सी फाइंड करोगे, तीनों साइड फाइंड कर ली, जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू दूसरी साइड जो उसका स्क्वायर, इनके स्क्वायर के बराबर। अगर ऐसा हो जाता तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब अगर कई बार ऐसा पूछा जाए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है, बताओ राइट एंगल कौन सा है, तो एंगल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है बहुत, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड, जो भी लॉन्गेस्ट साइड है उसके अपोजिट एंगल क्या होगा, राइट एंगल। जैसे मान लो ऐसे आ गया, इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो अब ए बी के अपोजिट एंगल क्या होगा, देखो ए और बी तो इसमें है, जो बच गया वही जाएगा, देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब आया था इसके अंदर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड है, टू साइड्स आर इक्वल, ये होगा, एंड सेकंड क्या होगा, सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम, और ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर ट्रायंगल्स के अंदर, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों साइड क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ए बी बी सी और ए सी, तीनों क्या जाएंगे, बराबर है। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे डिस्कस की सारे के सारे ट्रायंगल्स से रिलेटेड कंडीशन, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में तो इक्विलेटरल राइट एंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विलेटरल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं ना,